ये देखिए, ये हमारे पॉली हाउस में टमाटर लगे हुए हैं। लेकिन क्या है ना, इन पौधों में कटर कीट लग गया है, इसमें एक कीड़ा लगता है, कटर कीट बोलते हैं उसे, हरे रंग का होता है वो। अब उसकी वजह से आज इसमें थोड़ा दवा का छिड़काव करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं पर दिखेगा वो कटर कीट, अभी कहीं पर दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है, ये कटर कीट है, ये हमारे यहाँ गोभी में लगा हुआ है। ये ऐसे ही कटर कीट ये टमाटर में भी लग गए हैं अब हमारे। ये देखिए, ये एक जमीन में भी गिरा हुआ है, ये हमारे पूरे पॉली हाउस में, मतलब पूरे फैल गए हैं ये, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया तो ये पूरे पॉली हाउस में हो गए हैं। अब हमें इसमें दवा का छिड़काव करना है। ये देखिए, हम इस प्रकार से इसमें, ये यहाँ पर तुरई है, तुरई के फूलों में भी ये कटर कीट काफ़ी नुकसान करते हैं, तो इसमें दवा का छिड़काव कर रहे हैं हम। तुरई है, ये देखिए खीरा लगे हुए हैं, ये इसमें दवा का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं दिखाऊंगी कि हम इसमें कौन सी दवा डाल रहे हैं, कटर कीट के लिए कौन सी दवा डालनी होती है। तो ये कटर कीट ऐसे नुकसान पहुंचाता है, ये देखिए इसे इसमें छेद करता है, और ऐसे ये शिमला मिर्च में देखिए इस प्रकार से सारे छेद करके इसे खा के इसी के अंदर चले जाते हैं, मतलब वो। तो इससे बचाने के लिए उपाय करने होते हैं, दवा का छिड़काव करना पड़ता है। ये देखिए, पौधों में ऐसी समस्या के समाधान के लिए ये दवा है, इसमें ये देखिए प्रोसेक्स सुपर 44, ये दवा, इस दवा के छिड़काव से ये कटर कीट की समस्या का समाधान किया जाता है। इस दवा का छिड़काव हम शिमला मिर्च और भिंडी, करेला, हर उसमें कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमें वो कटर कीट दिखाई देगा वहाँ हम इस दवा के छिड़काव से पौधों को सही कर सकते हैं।